अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माई चैनल। पहले ज़माने में जो बड़ी बूढ़ियाँ प्रेगनेंट लेडी को देखकर उसकी आदत, उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिफरेंट एक्शंस और सिम्टम्स देखकर भाप जाती थी कि बेटा होगा या बेटी, तो आज की वीडियो उन्हीं ओल्ड वाइफ टेल्स पर बेस करती है। बेटा हो या बेटी, दोनों ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। ये औलाद ही हमारी ब्लेसिंग्स हैं। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे देता है और जिसे चाहता है बेटियां नवाजता है, और जिसे चाहता है दोनों देता है और जिसे चाहता है बे औलाद रखता है। हम उसके फैसले और हिकमत को नहीं जान सकते, ये कुदरत के राज हैं और वही बेहतर जानने वाला है। कोई भी औरत माँ पहली बार बने या तीसरी या चौथी या जितनी बार भी वो प्रेग्नेंट होती है, कहीं ना कहीं उसकी ये ज़रूर चाह होती है कि इसको बेबी जेंडर का मालूम हो। और ये हकीकत एक प्रेग्नेंट लेडी ही अच्छी तरह समझ सकती है कि जेंडर जानने के बाद वो किसी हद तक रिलैक्स हो जाती है और आने वाले बच्चे के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो जाती है। बड़ी बूढ़ियों और घरेलू टोटकों से जेंडर पता करने में कोई हर्ज नहीं और ना ही ये कोई गलत काम है। बल्कि जो लोग बेबी गर्ल प्रेडिक्ट होने के बाद अबॉर्शन करवाने का सोचते हैं, तो उनको पहले ये सोचना चाहिए कि आया उन्होंने जो भी मेथड अपनाया है, ख्वाह वो अल्ट्रासाउंड हो या कोई घरेलू टोटका, कोई भी मेथड 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। और यहाँ ये क्लियर होना ज़रूरी है कि जेंडर का पता करना गलत नहीं है, बल्कि अबॉर्शन करवाना और अबॉर्शन करने वाला गलत है। खैर, मैं बात कर रही थी बेबी जेंडर के पता करने की एक्साइटमेंट की। जिनको इस किस्म के वीडियोस से एलर्जी होती है, तो मेरा कीमती मशवरा उनको यही है कि कोई दूसरा काम करें या वीडियो स्किप कर दें। आपको ये वीडियो देखने पर कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो जनाब, आज मैं अपने प्रेगनेंसी की सिम्टम्स की बेस पर जेंडर पता लगाने की कोशिश करूंगी। आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते हैं कि मेरी इस प्रेगनेंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं। ये चार्ट मैं बना रही हूँ आप लोगों के सामने ही, और मेरी डिलीवरी के बाद ये चार्ट मेरे लिए एक एविडेंस होगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें वो सारी ओल्ड वाइफ टेल्स शामिल करूँ जो कि बहुत कॉमन हैं और बहुत फेमस हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो सबसे ज़्यादा फेमस और कॉमन टेल है, वो यही है कि मॉर्निंग सिकनेस का होना। ये काफ़ी मशहूर है कि जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को शुरू में मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है या थ्रू आउट प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस रहती है, उनके चांसेस बेबी गर्ल के ज़्यादा होते हैं। जबकि जो लेडीज़ बॉय कैरी कर रही होती हैं, यूजुअली उन्हें मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती। और ये मेरे साथ मेरी लास्ट प्रेगनेंसीज़ में बॉय और गर्ल की दफ़ा में ऐसा हुआ है कि गर्ल की दफ़ा में सिकनेस थी और बॉय की दफ़ा में नहीं थी। इस बार इस प्रेगनेंसी में मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं रही, तो मैं बॉय पर सर्किल करूँगी। तो मॉर्निंग सिकनेस का यानी पहला पॉइंट जाता है बॉय को। सेकंड पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये मैंने एक्सपीरियंस भी किया है अपनी लास्ट प्रेगनेंसीज़ में, और वो है हेयर की ग्रोथ। तो इस बारे में ये मशहूर है कि गर्ल के कैरी करने में हेयर्स जो हैं वो उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि बॉय में न्यू हेयर ग्रोथ हो रही होती है। तो इस पर भी मैं पॉइंट दूंगी बॉय को, क्योंकि मेरी इस प्रेगनेंसी में भी काफ़ी अच्छी हेयर ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत कॉमन होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और वो है प्रेगनेंसी में क्रैविंग्स होना। तो ये बहुत कॉमन है और बहुत फेमस है कि सॉल्टी क्रैविंग्स बॉय को प्रिडिक्ट करती हैं, जबकि स्वीट क्रैविंग्स जो हैं वो गर्ल को प्रिडिक्ट करती हैं। इस प्रेगनेंसी में मुझे स्वीट खाने का काफ़ी दिल चाहा है। सॉल्टी से भी कोई एलर्जी नहीं थी, लेकिन मुझे स्वीट वैसे भी नॉर्मली पसंद है और प्रेगनेंसी में भी मैंने काफ़ी स्वीट खाया है। तो एक पॉइंट जाता है गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन के हवाले से कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्किन आपकी ड्राई रहती है या फिर सॉफ्ट रहती है। उमूमन ये कहा जाता है कि सॉफ्ट स्किन वाली लेडीज़ गर्ल को कैरी कर रही होती हैं, जबकि ड्राई स्किन वाली लेडीज़ बॉय को कैरी कर रही होती हैं। तो इस प्रेगनेंसी में मेरी स्किन काफ़ी ड्राई और बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गई है। होंठ बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, मेरे पाँव, हर चीज़ ड्राई ड्राई सी फील होती है। तो ये वाला पॉइंट जाता है बॉय को। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है
और मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस किया है अपनी सारी प्रेगनेंसीज में, और वो है मूड स्विंग्स। इस पॉइंट के बारे में ये मशहूर है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी फौरन रोने का दिल चाहता है, कभी छोटी सी बात पे हंसने का दिल चाहता है, यानी पल में तोला पल में माशा, कुछ देर में आपका मूड अच्छा है तो थोड़ी ही देर में ख़राब भी हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ इस प्रेगनेंसी में बहुत हुआ है, तो ये पॉइंट जाता है गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर इज़ माई बेबी बम्प, के आपका जो बेबी बम्प है उसकी लोकेशन कहाँ है, या तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर फील होता है या फिर बहुत ज़्यादा नीचे फील होता है। अगर तो आपकी बैली बिल्कुल ऊपर की तरफ फील होती है तो इट मीन्स इट्स अ गर्ल, और अगर नीचे की तरफ है ज़्यादा वेट तो इसका मतलब है कि बॉय। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बैली नीचे की तरफ से ज़्यादा राउंडेड है, तो ये वाला पॉइंट जाता है बॉय को। नेक्स्ट पॉइंट भी स्किन से रिलेटेड है और वो है कॉम्प्लेक्शन। पहले ज़माने की बड़ी बूढ़ियों से ये मशहूर है कि इफ़ यू हैविंग अ गर्ल, तो वो गर्ल आपकी सारी ब्यूटी खुद ले लेती है। तो जो मदर्स बेबी गर्ल कैरी कर रही होती हैं उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा बैड हो जाता है बनिस्बत उन ख़वातीन के जो कि बॉय कैरी कर रही होती हैं और उनका कॉम्प्लेक्शन ग्लो होता है। तो इस प्रेगनेंसी में मेरा कोई कॉम्प्लेक्शन ग्लो नहीं हुआ, थकी थकी सी मैं लगती हूँ, तो ये पॉइंट जाता है गर्ल को। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट बर्न, जो कि इतना कॉमन नहीं है लेकिन इसके बारे में ये मशहूर है कि इफ़ यू हैविंग अ गर्ल तो आपको हार्ट बर्न ज़्यादा होगा। और इसके बारे में बड़ी बूढ़ियाँ ये भी कहती हैं कि अगर बहुत तेजाबियत हो रही है तो इसका मतलब है कि बेबी के बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं, नॉर्मली लड़कियों के बाल ही ज़्यादा घने होते हैं तो इसी में एसिडिटी होती है। तो मुझे 7 मंथ तक, अभी तक तो कोई एसिडिटी नहीं हुई थी लेकिन 8 मंथ स्टार्ट होने पर मुझे एसिडिटी होने लगी है, तो ये पॉइंट मैं गर्ल को दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये बड़ी बूढ़ियों से ही मशहूर है कि अगर आपका बम जो है वो फुली फुल है ऑल अराउंड तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ गर्ल, जबकि सिर्फ फ्रंट से ही आपका जो बैली है वो ज़्यादा नुमाया होता है तो इट मीन्स यू आर हैविंग अ बॉय। तो मुझे अपनी बैली ऑल अराउंड हर तरफ से ही फुल फील होती है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह, तो ये वाला पॉइंट भी मैं गर्ल को ही दूंगी। कभी कभी बड़ी बूढ़ियों की बातें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और विदाउट लॉजिक होती हैं, और कभी कभी तो उन बड़ी बूढ़ियों का तुक्का भी लग जाता है। तो जनाब नेक्स्ट पॉइंट भी बाकी पॉइंट्स की तरह इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि प्रेगनेंसी में कौन सी साइड पर लेटना ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो मुझे ये याद पड़ रहा है कि मैंने अपनी मिथ वाली वीडियो में ये पॉइंट डिस्कस किया था और उसमें ये मैंने कहा था कि मैंने अपनी लास्ट प्रेगनेंसीज़ में भी ये नोट नहीं किया कि मैं किस साइड पर सोना ज़्यादा बेटर फील करती हूँ, और हम एज अ मुस्लिम राइट साइड पर ही लेटने को तरजीह देते हैं, तो मुझे राइट साइड पर ही लेटना पसंद है, तो ये पॉइंट भी मैं गर्ल को ही दूंगी। मैंने इस प्रेगनेंसी में भी ये नोटिस नहीं किया कि मुझे कौन सी साइड ज़्यादा पसंद है। तो ऑलवेसली हम लोग नॉर्मली भी राइट साइड पर लेटना ही पसंद करते हैं, तो ये पॉइंट भी राइट साइड की तरफ ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेडेक, सर का दर्द मुझे इस प्रेगनेंसी नहीं रहा, बकौल ओल्ड लेडीज़ के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस लेडी को सर दर्द रहता है तो वो बेबी गर्ल कैरी कर रही होती है और जिसको नहीं रहता वो बॉय कैरी कर रही होती है। इस प्रेगनेंसी मुझे सर दर्द नहीं रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये पॉइंट मैं बॉय को दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो है फीट की कोल्डनेस और वार्मनेस, पाँव का गर्म रहना ये अलामत है कि बेबी गर्ल है, और अगर पाँव ठंडे हैं या सुन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि बॉय है। मेरे पाँव तो खैर गर्मियों में भी गर्म नहीं होते और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही सुन हुए हैं, तो ये पॉइंट भी बॉय को ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बड़ी बूढ़ियों का मशहूर करदा है कि अगर आपके हस्बैंड का वेट बढ़ रहा है तो इट मीन्स इट्स अ गर्ल। सच पूछें तो मुझे इस लॉजिक से पैदल पॉइंट पर बड़ी हंसी आ रही थी कि भाई आपकी प्रेगनेंसी का आपके हबी के वेट से क्या ताल्लुक हो सकता है। खैर मेरे हबी का जो शादी के वक्त वेट था वही अब तक है, कोई वेट गेन नहीं हुआ किसी भी प्रेगनेंसी में, तो ये पॉइंट मैं बॉय को ही दूंगी।
What a ajeeb logic of old wives. Next point hai pimples ka, aur ye experience maine apni last pregnancies mein kiya hai. Baby girls ki dafa mein mujhe kafi pimples ho gaye the meri skin par, mere face par, aur boy ki dafa mein aisa bilkul nahi tha, bilkul smooth skin thi. और इस बार भी बिल्कुल स्मूथ स्किन है, कोई पिंपल नहीं है, तो ये पॉइंट डेफिनेटली जाता है बॉय को. नेक्स्ट एंड अ लास्ट पॉइंट है गट फीलिंग. मुझे तो दिल से लगता है कि शायद मेरा बॉय है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी लास्ट प्रेगनेंसी जो बॉय वाली थी उसी से ये प्रेगनेंसी सिमिलर है. गर्ल्स वाली प्रेगनेंसी सेम थी और ये बॉय वाली प्रेगनेंसी लास्ट बॉय वाली प्रेगनेंसी से सेम है. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आई एम हैविंग अ बॉय ड्यू टू दीज सिमिलैरिटीज़. बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो कुछ नहीं जानते. तो जनाब अब बारी है स्कोर की, गर्ल के कितने पॉइंट्स बनते हैं और बॉय के कितने पॉइंट्स बनते हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ और उसकी स्कोरिंग चल रही है. तो भाई गर्ल के पॉइंट बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और बॉय के पॉइंट बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये बन गया हमारा एक स्कोर चार्ट. आई होप इसके बनते बनते आपको मेरी सिम्टम्स भी पता चल गई होंगी. जिन लेडीज़ ने मेरी सिम्टम्स पूछी थी इस प्रेगनेंसी की, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होंगी. बाकी खैर मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला हम सबको औलाद दे, और जो भी दे बिल्कुल सही सलामत दे, तंदुरुस्त दे, फर्माबरदार दे, नेक और सालेह दे. आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बे औलाद जोड़ों को नेक और साले औलाद दे. अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.